इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। डॉम्स्टल सस्पेंशन प्रत्येक भोजन से आधा घंटा पहले दिया जाता है। यदि भोजन के बाद दिया जाता है तब भी यह काम करेगा, लेकिन दवा का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर इसे हर दिन 4 बार देने की सलाह दे सकते हैं। खुराकों के बीच कम से कम 4 घंटे तक प्रतीक्षा करें और प्रत्येक खुराक को दूध पिलाने से ठीक पहले दें। खुराक आमतौर पर आपके बच्चे की स्थिति, शरीर के वजन और उम्र के आधार पर भिन्न होती है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी निर्धारित अवधि से अधिक न लें। यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनट के भीतर उल्टी करता है तो उसी खुराक को दोहराएं जब आपका बच्चा शांत हो जाए, लेकिन अगर अगली खुराक का समय हो तो दोगुनी खुराक न लें। यह दवा कुछ मामूली और अस्थायी दुष्प्रभाव जैसे मुंह सूखना, सिर दर्द, ओनिंदापन, पेट में ऐंठन और दस्त का कारण बन सकती है। आमतौर पर जब आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाता है तो ये एपिसोड कम हो जाते हैं। हालांकि यदि ये दुष्प्रभाव आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को सूचित करें। आपके बच्चे के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को एलर्जी, हृदय की समस्या, रक्त विकार, जन्म दोष, वायुमार्ग की रुकावट, फेफड़े की विसंगति, जठरांत संबंधी समस्या, त्वचा विकार, यकृत की दुर्बलता और गुर्दे की खराबी का कोई पिछला एपिसोड है। आपके बच्चे के संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के बारे में जागरूक होने से डॉक्टर को महत्वपूर्ण खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समग्र उपचार की योजना बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों में डॉम्स्टल सस्पेंशन का उपयोग, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, एसिड रिफ्लक्स का उपचार, अपच का उपचार, मतली का इलाज, उल्टी का इलाज। आपके बच्चे के लिए डॉम्स्टल सस्पेंशन के लाभ, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, एसिड रिफ्लक्स का उपचार। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD एक पुरानी दीर्घकालिक स्थिति है जो कभी कभार के बजाय लगातार नाराजगी होने जैसी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट के ऊपर की एक मांसपेशी बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामग्री को अन्न प्रणाली और मुंह में वापस आने देती है। डॉम्स्टल सस्पेंशन भोजन नली के निचले सिरे की टोन बढ़ाकर और एसिड के प्रवेश को रोककर इस स्थिति का इलाज करने में मदद करता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे अपने बच्चे को बिल्कुल निर्धारित अनुसार देना चाहिए। अपच का उपचार, अपच का मतलब मुख्य रूप से आपके पेट के ऊपरी हिस्से की परेशानी है जिसमें अन्य लक्षण भी हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, सूजन, भरा हुआ महसूस करना आदि। डॉम्स्टल सस्पेंशन आपके पेट और आंत आंत में भोजन की गति में सुधार करता है। यह इन लक्षणों से राहत देता है और भोजन के उचित पाचन में मदद करता है। डॉम्स्टल सस्पेंशन को डॉक्टर के बताए अनुसार लें। इस बारे में सोचें कि कौन से खाद्य पदार्थ अपच को ट्रिगर करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे, अधिक बार भोजन करें। यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें। सोने के 3-4 घंटे के अंदर खाना ना खाएं। मतली का इलाज, डॉम्स्टल सस्पेंशन शरीर में उन रसायनों की क्रिया को रोकता है जो आपको बीमार महसूस करा सकते हैं या बीमार कर सकते हैं। यह अक्सर मतली और उल्टी को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कुछ दवाओं के कारण हो सकता है। मतली और उल्टी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कम से कम अवधि के लिए सबसे कम प्रभावी खुराक पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह एक ऑपरेशन केवल वयस्कों में के बाद मतली और उल्टी को रोकने में भी प्रभावी है। डोज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस लिए इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस दवा को निर्धारित अनुसार ही लें। बच्चों में डॉम्स्टल सस्पेंशन के साइड इफेक्ट, डॉम्स्टल सस्पेंशन से गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और यह बच्चों द्वारा अच्छी तरह से सहन किया जाता है। यदि साइड इफेक्ट होते हैं तो शरीर दवा के अनुकूल होने के बाद उनके कम होने की संभावना होती है। यदि ये दुष्प्रभाव बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं तो अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करें। सबसे आम दुष्प्रभावों में शामिल हैं डॉम्स्टल के सामान्य दुष्प्रभाव, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, तंद्रा, पेट दर्द, दस्त। मैं अपने बच्चे को डॉम्स्टल सस्पेंशन कैसे दे सकता हूँ? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से मापें और इसे मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। डॉम्स्टल सस्पेंशन को खाली पेट लेना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।